नमस्कार, मैं हूं पुरुषोत्तम अग्रवाल और आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी का कार्यक्रम किताब। आज हम किताब पर बात करने के लिए ग्वालियर के महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज के प्रांगण में मौजूद हैं। ये कॉलेज एक ज़माने में विक्टोरिया कॉलेज कहलाता था और सन 56 से महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज कहलाने लगा। आज हम जिस शायर के बारे में बात करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो इसी कॉलेज में 1958 तक पढ़े थे। नाम है निदा फाजली। निदा का शाब्दिक अर्थ होता है आवाज़। सन 1938 में मुक्तदा हसन के नाम से जन्मे निदा सचमुच समकालीन उर्दू कविता में सरोकार और परंपरा की और स्मृति की और मानवीयता की आवाज़ बनकर उभरे। उनकी कविता में केवल मीर और गालिब नहीं बल्कि कबीर, सूर और तुलसी की भी रवायत बोलती है। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। फिल्म आहिस्ता आहिस्ता का ये गीत मशहूर शायर निदा फाजली ने लिखा है और उनकी गजल पर आधारित है। लेकिन निदा फाजली को अपनी शायरी के जरिए मुकम्मल जहां मिला क्योंकि उनकी चर्चा के बगैर उर्दू की जदीद शायरी की कोई चर्चा मुकम्मल नहीं होती। अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर है उधर के हम हैं। समकालीन उर्दू कविता और समूची भारतीय कविता की अत्यंत विश्वसनीय और लोकप्रिय आवाजों में से एक निदा फाजली के ऐसे कई शेर और दोहे हमारी बोलचाल के मुहावरे बन चुके हैं। 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में पैदा हुए निदा फाजली का 77 साल की उम्र में 8 फरवरी 2016 को मुंबई में निधन हुआ। मुशायरे के सबसे बड़े शायर निदा फाजली ताउम्र मुशायरों से जुड़े रहे। आमतौर से और खासकर हिंदी में आज के माहौल में माना जाता है कि श्रेष्ठ कविता को लोकप्रियता नसीब नहीं होती। उर्दू में लोकप्रिय और श्रेष्ठ के बीच इतनी दूरी सौभाग्य से अभी तक नहीं बनी है और जिन कवियों को इस सौभाग्य का श्रेय दिया जाना चाहिए उनमें एक प्रमुख नाम निदा फाजली का है, जिन्होंने गंभीर चिंताओं, सरोकारों और काव्य प्रयोगों के साथ ही कविता की लोकप्रियता को बनाए रखने की साधना की। वो उर्दू और हिंदी की काव्य परंपरा के गहरे जानकार थे। कविता संकलन खोया हुआ सा कुछ देवनागरी लिपि में उनका दूसरा संकलन है। पहला संकलन मोर नाच के नाम से प्रकाशित हुआ था। कविता संकलन खोया हुआ सा कुछ के लिए 1998 में निदा फाजली को साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। निदा की बहुत सारी पंक्तियां, निदा की बहुत सारी उक्तियां हमारे समकालीन हिंदी उर्दू मुहावरे का हिस्सा बन चुकी हैं। एक व्यक्तिगत नोट पर अगर कहूं, तो जब सन 1977 में मैं भी इसी कॉलेज का विद्यार्थी था, एमएलबी कॉलेज का, और जब ग्वालियर से बाहर निकलने की छटपटाहट मन में थी तो जहन में एक शेर बार बार गूंजता था कि नक्शा उठा के कोई नया शहर ढूंढिए, इस शहर में तो सबसे मुलाकात हो गई। और निदा फाजली का ही शेर है। निदा के बारे में बात करने के लिए आज हमारे बीच हैं उर्दू के अत्यंत नामचीन, अत्यंत प्रसिद्ध आलोचक, अध्येता, मेरे बहुत अच्छे मित्र प्रोफेसर अनवर आलम, प्रोफेसर अनवर पाशा, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेज के फिलहाल अध्यक्ष हैं। प्रोफेसर पाशा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत खैर मकदम स्वागत और शुक्रिया कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपने हमारा न्योता कबूला। और अब मैं बात शुरू करता हूँ। जो बात मैं अभी कह रहा था, क्या मैं सही कह रहा था कि उर्दू कविता में इस वक्त श्रेष्ठ और लोकप्रिय के बीच उतनी बड़ी दूरी नहीं है जितनी कि हिंदी में आ चुकी है? हिंदी के आम तौर से होने वाले कवि सम्मेलनों में समकालीन महत्वपूर्ण कवि आम तौर से नज़र नहीं आते, जबकि उर्दू में शायद ऐसा नहीं है। आपकी टिप्पणी।
اردو کی روایت ظاہر ہے کہ فارسی کی روایت سے کافی جڑی ہوئی رہی ہے. ایک زمانہ تھا جب اردو پہ فارسی کا اثر بہت ہی نمایاں طور پہ تھا, لیکن وہ زمانہ آ کر کے غالب کے دور تک ایک طرح سے اس پہ ایک سوالیہ نشان, بلکہ ایک پورن وِرام لگ جاتا ہے اس پہ. لیکن غالب کے بعد کی جو شاعری ہے وہ کافی حد تک عوامی لب و لہجے کی شاعری ہے. اگر آپ اقبال کو دیکھیں, اگر آپ فیض کو دیکھیں اس پیڑھی میں, اب ندا فاضلی تک آئیں, وہ روایت ندا فاضلی تک آتی ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں جس کو آپ شریشٹھ جو ایک الگ ایک کیٹیگری بنا رہے ہیں آپ ایلیٹ ایک طرح لٹریچر کی, تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے ایک انحراف ہے اور وہ بنیادی طور پر عوامی جو طرح انحراف کو تھوڑا سا سہل ہندی میں رکھ دیں, انحراف کہتے ہیں یعنی ایک ڈیویشن ہے, وہاں سے ایک ڈیویشن ہے اور بچلن ہے وہاں سے, اور وہ آپ کو کہیں نہ کہیں اس کا ایک جو رشتہ ہے وہ ترقی پسند تحریک سے جا کے ملتا ہے, پرگتیشیل لیکھک سنگھ سے. ہندی میں میرا ایسا ماننا ہے کہ پرگتیشیل لیکھک سنگھ کے ذریعے جو کنٹریبیوشنس لٹریچر میں ہوا وہ شاید اتنا زیادہ نہیں ہے اس روپ میں جس روپ میں اردو میں ہے. اردو کے اگر آپ نام لیں تو اردو میں ایک بڑی جماعت آپ کو شاعروں میں ملے گی, فکشن رائٹرس میں آپ کو ملے گی, کتھاکاروں میں ایک بڑی جماعت آپ کو ملے گی, کرٹکس میں ایک بڑی جماعت آپ کو ملے گی جو ترقی پسند تحریک کی ایک طرح سے اپج رہی ہے. اس نے کافی حد تک اردو زبان اور اردو ادب کو ایک عوامی لب و لہجہ عطا کیا, اس کو زمین سے جوڑنے کا کام کیا اس نے. اور ظاہر ہے کہ اس لیے آپ کو بعد کے لوگوں میں بھی, آپ فیض کو پڑھتے ہیں تو فیض کو پڑھتے ہوئے بھی آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ فیض عوامی لب و لہجے کے شاعر نہیں ہے. اگر آپ ساحر کو پڑھتے ہیں, مجروح کو پڑھتے ہیں, کیفی اعظمی کو پڑھتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ ان سب کے ہاں ایک عوامی لب و لہجہ نظر آتا ہے. جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے, اور پرگتیشیل آندولن کا پربھاؤ ہندی ساہتیہ پر بھی کافی پڑا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہندی کی کویتا میں شریشٹھ اور لوک پریہ کے بیچ کی جو دوری ہے اس کی کچھ اور بھی وجہ رہی ہوں گی. مثال کے طور پر جیسے میں ایک شعر ندا کا ہی پڑھتا ہوں, اور معاف کیجیے گا مجھے چونکہ یادداشت بہت اچھی نہیں ہے تو دیکھ کر ہی پڑھنا پڑے گا. اب یہ شعر جو ہے کسی کو بھی سمجھنے میں دقت نہیں ہوگی, اور عام طور سے لوک پریہ کویتا میں جو ہلکا پن ہوتا ہے, جو سطحی پن ہوتا ہے, وہ اس میں دور دور تک نہیں ہے. بہت گہری بات ہے لیکن بہت سہل روپ سے کہی گئی بات ہے. جو کھو جاتا ہے مل کر زندگی میں, غزل ہے اس کا نام شاعری میں. کیا بات, ندا صاحب کا شعر. اور ایسے اردو میں اس طرح کی ہزاروں پنکتیاں, اور اسی لیے وہ ہماری زبان پہ چڑھ جاتی ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس میں کچھ یوگدان مشاعرے اور کوی سمیلن کی سنسکرتی کے فرق کا بھی ہے کیا؟ یہ بالکل صحیح آپ نے کہا کہ ندا فاضلی کا تعلق بھی مشاعروں سے رہا ہے, بہت گہرا رہا ہے. مشاعرے کے بہت کامیاب شاعر اگر آپ دو تین بڑے شاعروں کے نام لیں تو ندا فاضلی ان میں, ظاہر ہے کہ بشیر بدر ہیں آتے ہیں ان کے بعد, تو اس طرح کی نسل میں آپ دیکھیں گے تو ندا فاضلی ایک بڑا نام ہے, اور وہ مشاعروں سے جڑے رہے. ان کی شہرت میں مشاعروں کا بہت بڑا رول رہا ہے, حالانکہ وہ فلم انڈسٹری سے بھی جڑے, فلموں کے لیے بھی لکھا انہوں نے, کافی سارے گانے فلموں کے لیے بھی لکھے اور اس سے بھی ان کو شہرت ملی. لیکن مشاعروں میں ان کے جیون کے آخری لمحے تک اگر آپ یہ پوچھیں کسی سے کہ اردو میں مشاعرے کا سب سے بڑا شاعر کون ہے, تو وہ بغیر کسی ہچک کے یہی کہتا ہے کہ ندا فاضلی. اور ندا فاضلی, ایک چیز اور میں واضح کر دوں کہ مشاعرے کے شاعر تو اور دوسرے لوگ بھی رہے ہیں, بشیر بدر بھی رہے اور دوسرے لوگ بھی رہے ہیں, وسیم اکرم وغیرہ, ظاہر رکھے وسیم بریلوی, اس طرح کے لوگ رہے. لیکن جو ادبیت ہے منور رانا, ان کے ہاں جو ادبیت ہے ندا فاضلی کے ہاں, جو پوئٹری ہے ندا فاضلی کے ہاں, وہ صرف مشاعرے کو سامنے رکھ کر کے, سامنے کے آڈینس کو سامنے رکھ کر کے وہ شاعری نہیں کرتے تھے, بلکہ ان کی شاعری میں جس جو آپ نے ابھی جو شعر پڑھا, یہ ظاہر ہے کہ ان کی پہچان ہے. عام لفظوں کے ذریعے, بہت ہی معمولی لفظوں کے ذریعے زندگی کے بڑے سے بڑے فلسفی کو بیان کر دینا, یہ ندا کی خاص صفت رہی ہے. میں اسی بات کو ندا کی خود کی بات سے جوڑنا چاہتا ہوں. جی, ندا نے اپنی آتم کتھا میں لکھا ہے کہ جب وہ کالج آتے تھے گھر سے, اور گوالیئر کے اس پورے پریویش کا چتر کھینچتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ اس پریویش میں ظاہر ہے کہ غالب اور میر اتنے نہیں گونجتے تھے جتنے کہ کبیر, سور اور میرا. یہ تین شاعروں کو انہوں نے نام دیا ہے, کبیر, سور اور میرا. اور انہوں نے لکھا ہے کہ میری کویتا بہت گہرے میں ان سے جڑتی ہے, کبیر, سور اور میرا سے. تو کیا ایک ندا کی کویتا میں یہ جو خوبی ہے کہ لوک پریہ اور ساتھ میں گہرائی, جنتا کے ساتھ جنتا کی زبان میں بات کرنے کی صلاحیت, اور اس کے ساتھ ایک گہرا فلسفیکل پروفاؤنڈ ریفلیکشن, کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ندا پر ان بھکتی کے کویوں کے اثر کا نتیجہ ہے؟
बिल्कुल सही है। और आपने जिस हवाले का जिक्र किया उनकी आप बीती से, उनकी जो आत्मकथा है उससे, उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी इसको बार बार कहा है, कई इंटरव्यूज़ में उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया है कि मेरी शायरी का जो मुहर्रिक है, जहाँ से इंस्पिरेशन मुझे मिला, वो बचपन में, बचपन से ही जाहिर है कि मेरे कानों में जो आवाज़ें पड़ती थी वो सूरदास के भजन की आवाज़ें, मीरा के भजन की आवाज़ें, तो ये वो सोर्स है, ये वो प्रेरणा है जहाँ से निदा फाजली ने गोया एक तरह से उनकी पूरी ज़हनी तश्कील, शायरी की तरफ उनकी रगबत, यह भी लिखा है कि मैं शायरी की तरफ मेरी जो रगबत हुई, जो मेरी दिलचस्पी हुई शायरी की तरफ, वो गोया उन्हीं भजनों को सुन करके, उनमें जो रिद्म होती थी, जो मुसीकियत होती थी, और सिर्फ रिद्म और मुसीकियत नहीं, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि उसमें जो ज़िंदगी की जो फ़िलासफ़ी थी, जिस तरह से इंसानियत की जो फ़िलासफ़ी थी, उसने उनको बहुत मुतासर किया था, और वो कोर है उनकी शायरी का, निदा फाजली की शायरी में वो कोर है एक तरह से। मुझे एक चीज़ और लगती है कि वो परम्परा से जुड़ाव लगाओ, उर्दू और हिंदी एक तरह से एक साझी परंपरा की इन दो धाराओं से निदा का सीधा वास्ता, सीधा लगाओ, लेकिन परंपरा से लगाओ अपने आप में पर्याप्त नहीं होता बढ़िया कविता के लिए। एक गहरा आधुनिकता बोध भी निदा के यहाँ है, वो परंपरा की स्मृतियाँ हैं, परंपरा उनके यहाँ उस तरह है। मुझे लगता है कि निदा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि परंपरा उनके यहाँ सचमुच उस तरह से है जैसे टीएस इलियट चाहते थे कि पोएट में हो, बिल्कुल, और मांस मज्जा का हिस्सा है, वो अलग से दिखाने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल, और उसके साथ एक गहरा आधुनिकता बोध उनके यहाँ। मैं एक दोहा पढ़ रहा हूँ, चूँकि हम लोग कबीर और सूर की बात कर रहे हैं, एक दोहा है और इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूँगा इस बात को आगे बढ़ाते हुए। मुझे लाजवाब दोहा लगता है ये, जीवन के दिन रैन का कैसे लगे हिसाब, दीमक के घर बैठकर लेखक लिखे किताब। क्या बात, तो जरा इस बात को आगे बढ़ाइए कि ये जो परंपरा और आधुनिकता वाला मामला है, ये निदा की कविता में किस तरह सदता है। जाहिर है कि निदा का ये तसव्वुर था कि उर्दू शायरी में जो रिवायती, जो कुछ भी फ़न है रिवायत के हवाले से, जो फ़िक्र है, उससे अगर आप जुड़े हुए नहीं रहेंगे तो जाहिर है कि आप अपनी शायरी को कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, या अपना मकाम भी नहीं बना सकते। लेकिन वो सिर्फ लकीर के फ़कीर भी रहना नहीं चाहते थे, निदा एक तरह के रिबेलियन शायर भी थे। मैं जब रिबेलियन शायर कहता हूँ तो निदा का ताल्लुक जिस दौर से था, निदा ने जब शायरी के मैदान में कदम रखा, बखूबी वाकिफ़ हैं आप में से बेशतर लोग कि वो ज़माना एक तरह से जदीदियत का ज़माना था, जहाँ शायरी को बिल्कुल ज़ात के खोल में बंद कर देने की एक रवायत चल पड़ी थी। जदीदियत यानी आधुनिकता, आधुनिकतावाद एक आंदोलन के तौर पर, आधुनिकतावाद उर्दू छायावाद वगैरह जिस तरह से रहा है हिंदी में, बिल्कुल उससे करीब तर एक ताल्लुक उसका रहा है। तो जाहिर है कि वहाँ एक सिलसिला एंटी गज़ल का भी शुरू हुआ था, तजर्बे हो रहे थे एंटी गज़ल के, तजर्बे हो रहे थे उर्दू शायरी में, और ऐसी शायरी हो रही थी कि बिन सर पैर की शायरी हो रही थी, जिसका आवाम से कोई ताल्लुक नहीं था, जिसका सिर्फ फोकस अपनी ज़ात पर था, अपने बिल्कुल इंडिविजुअल उस पर था। जाहिर है कि निदा ने वहाँ से अपनी शायरी शुरू की थी। निदा का एक शेर बहुत मशहूर हुआ, इतना मशहूर शायर जदीदियत के किसी दूसरे शायर का वो शेर नहीं मशहूर हुआ होगा कि सूरज को चोंच में लिए मुर्गा खड़ा रहा, सूरज को चोंच में लिए मुर्गा खड़ा रहा, खिड़की के पर्दे खींच दिए रात हो गई। क्या बात, ये वो शेर, क्या बात है, ये गज़ल का शेर है खिड़की के, लेकिन ये एंटी गज़ल है, ये शेर बिल्कुल एंटी गज़ल, जो उस ज़माने में तजर्बात हो रहे थे, जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, उसका एक शेर है जिसमें बिल्कुल डिक्शन बदला हुआ है। आपको पुराना डिक्शन इसमें नहीं मिलेगा, बिल्कुल पुरानी रिवायत नहीं मिलेगी, पुरानी लफ्जियात नहीं मिलेगी। फिक्र की सतह पे भी जाहिर है कि वो एक गुंजलकपन, एक इबहाम इसके अंदर मौजूद है। लेकिन निदा ने बहुत जल्द इस बात को रियलाइज़ कर लिया कि इस तरह की शायरी जिसका आवाम से कनेक्ट ना हो, जो हमें आवाम से न जोड़ सके, जाहिर है कि इस तरह की शायरी बेकार सी शायरी है। इसलिए उन्होंने अपनी राह बदल ली। एक सवाल यहाँ आप पूछना चाहता हूँ, मैंने सुना है और थोड़ी बहुत जानकारी भी है कि मिसाल के तौर पर उर्दू साहित्य का जब इतिहास लिखा जाता है तो नज़ीर अकबर आबादी को बहुत अहमियत कुछ दिन पहले तक नहीं दी जाती जी, और कबीर और इस तरह के जो दूसरे पोएट हैं जो एक तरह से उर्दू रवायत के भी हिस्से हैं, क्योंकि उस समय जुबान इस तरह बटी नहीं थी जैसी 19वीं सदी में बटी, तो आज की स्थिति में नज़ीर को उर्दू की लिटरेरी हिस्टोरियोग्राफी कहाँ रखती है? आज नज़ीर को उर्दू के एक बहुत बड़े क्रिटिक कलीमुद्दीन अहमद थे जी, वो अपने अंदाज के बिल्कुल अलग क्रिटिक थे। उन्होंने एक किताब लिखी उर्दू शायरी पर एक नज़र, उसमें उन्होंने पहली दफ़ा नज़ीर अकबर आबादी को उर्दू के आसमान अदब पर, उर्दू शायरी के आसमान पर तन्हा दरख्शां सितारा उनको कहा कलीमुद्दीन अहमद ने, ये वाहिद सितारा है
اردو شاعری کے آسمان پر جو اپنی الگ پہچان رکھتا ہے، اپنی الگ چمک رکھتا ہے، سب سے الگ ہے وہ۔ اس کے بعد سے ترقی پسند تحریک سے جڑے ہوئے جو کرٹکس تھے ہمارے، علی سردار جعفری نے، ممتاز حسین نے، ان لوگوں نے، اس سمے کے جو کرٹک ہیں وہ ندا کو مثال کے طور پہ کہاں رکھتے ہیں، ان لوگوں نے نظیر کو دوبارہ ایک طرح سے اس کو دریافت کیا، نظیر اکبر آبادی کو، اور وہاں سے نظیر، آج جو نظیر ہے اردو شاعری میں، جو تاریخ ہے اردو شاعری کی، اس میں نظیر اکبر آبادی کے بغیر اردو شاعری کی تاریخ آج مکمل نہیں ہو سکتی، اور یعنی بہت بڑا اور ندا جیسے لوگ، اور ندا جیسے لوگ، ظاہر ہے کہ ندا فاضلی کی جو انفرادیت ہے وہ یہ ہے کہ ندا ایک طرف عوامی سطح پہ مشاعروں میں، فلموں میں بھی اسی طرح سے مقبول رہے، اور دوسری طرف ادبی کینن میں، ادب کی تاریخ میں بھی ندا کو ایک طرح سے قبول کیا گیا، کیونکہ ندا کے ہاں صرف وہ جو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل ایک سڑک چھاپ قسم کی شاعری جو ہو سکتی ہے، مشاعروں کی شاعری، وہ نہیں ہے، لیکن زبان کی سطح پر ان کا رشتہ جا کے امیر خسرو سے ملتا ہے، ان کا رشتہ جا کر کے میر سے ملتا ہے، میر کے یہاں بھی آپ دیکھیں گے عوامی لب و لہجہ ملتا ہے، یعنی کہ کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے ہنس پکار کے، دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑی دیار کے۔ جب لکھنؤ گئے تھے دلی اجڑنے کے بعد، نہیں تو وہاں نے ان کا تعارف، مجھے لگتا ہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ سب سے خوبصورت ڈھنگ سے تو اس میں آتی ہے کہ وہ جو شعر ہے میر کا، آپ کو یاد ہوگا کہ گفتگو مسکو عوام سے ہے اور شاعری میری خاص لوگوں کو پسند آتی ہے، شعر میرے ہیں وہ خواص پسند پر گفتگو مجھ کو عوام سے ہے۔ تو اب میں ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں انور صاحب، اور یہ تھوڑا سا سینسٹیو سوال ہے۔ جی، عام طور سے یہ کہا جاتا ہے اور آنکڑے اس بات کو پرمانت بھی کرتے ہیں کہ اردو کی چاہے شاعری ہو، چاہے ناولس ہوں، افسانے ہوں، جب وہ ناگری لپی میں چھپ کے بکتے ہیں تو بہت زیادہ بکتے ہیں، اور اردو میں شاید اتنی ان کی کھپت نہیں ہوتی، اتنی ان کی بکری نہیں ہوتی، اور اردو کا چونکہ گرامر اور ڈکشن بالکل ہندی والا ایڈیم وہی ہے، کوئی فرق ہے نہیں، کیول تھوڑا فرق جو ہے وہ شبداولی ووکیبلری میں آتا ہے عربی اور فارسی کے اثر میں، اور ادھر سنسکرت کے اثر میں، تو بہت سے لوگ یہ ترک دیتے رہے ہیں کہ اردو والوں کو نستعلیق چھوڑ کے باقاعدہ ناگری جو ہے وہ ایک لپی کے طور پہ اختیار کر لینی چاہیے، آپ کی کہہ رہے، اور خاص کر کے تب جب کہ ندا جیسے لوگ دونوں لپیوں میں لکھتے تھے، ندا نستعلیق میں بھی لکھتے تھے اور ناگری میں بھی لکھتے، ظاہر ہے، اور یہ روایت مجھے لگتا ہے کہ پریم چند سے شروع ہوتی ہے۔ پریم چند اردو میں بھی لکھتے تھے، ہندی میں لکھتے تھے، وہ پہلے ظاہر ہے کہ ہمارے فکشن رائٹر ایسے تھے کہ وہ دونوں لپیوں میں لکھا کرتے تھے اور دونوں میں ایکولی امپورٹینس رکھتے تھے۔ آج بھی اردو فکشن کی تاریخ پریم چند کے بغیر ایک قدم آگے نہیں بڑھتی، بالکل، ہندی فکشن کی تاریخ ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتی، بالکل۔ تو ظاہر ہے کہ یہ صورتحال تو رہی ہے، اور بہت سے لوگ اس زمانے میں، حالانکہ پریم چند نے جس سلسلے کو شروع کیا تھا وہ ہندوستانی کا جو تصور تھا پریم چند کا، گاندھی جی کا تصور ہندوستانی کا تھا، ظاہر ہے کہ وہ تصور بہت چل نہیں پایا آگے، اور آپ دیکھیں گے کہ خود ترقی پسندوں کے زمانے میں بھی اس طرح سے دیوناگری اسکرپٹ میں اردو کی شاعری یا اردو میں جو کچھ لکھا گیا اس طرح سے نہیں اس لپانترن ہو سکا جس طرح سے اس کو ہونا چاہیے تھا۔ یہ ضرور ہے کہ رفتہ رفتہ اردو قاری کا، اردو پاٹھک کا جو دائرہ ہے وہ محدود ہوا ہے۔ میں جو اسپیسیفک سوال پوچھ رہا ہوں میں اس پہ آ رہا ہوں، کیا یہ صحیح ہوگا کہ اردو کے لیکھک نستعلیق چھوڑ کے ناگری میں لکھنا، میں اس پہ آ رہا ہوں کہ یہ ضرور ہے کہ اردو پاٹھک کا دائرہ آزادی کے بعد، ظاہر ہے کہ اردو پاٹھک کا دائرہ سمٹا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس طرح سے جس طرح سے آزادی سے پہلے اردو کی جو فضا تھی وہ نہیں رہی، پاٹھک سمٹا ہے، ہر لکھنے والے کی یہ خواہش رہتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، ایک بڑے پاٹھک تک پہنچ سکے، اس کو پذیرائی مل سکے، اس کی اہمیت ہو، اس کو داد مل سکے، ظاہر ہے کہ یہ خواہش ہے۔ اس لیے بہت سے لوگوں نے، کئی ایسے نام ہیں، ندا فاضلی نے یہ کام کیا، اگر آپ دیکھیں تو فکشن میں جو کتھا ساہتیہ ہے اس میں آج اس وقت مشرف عالم ذوقی وہ لکھ رہے ہیں، وہ بھی اپنی تمام چیزیں جو اردو میں لکھتے ہیں اس کو ہندی میں بھی، وہ ظاہر ہے کہ اس کو لپیانترن اس کا کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ رہا وہ سینسیٹیو سوال جو آپ نے اٹھایا ہے، ظاہر ہے کہ یہ سوال پہلے بھی لوگوں نے اٹھایا ہے، اور ظاہر ہے کہ اسی سندربھ میں آپ باتیں کر رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ لیپی جو ہے وہ اردو اور ہندی، یہ ضرور ہے کہ دونوں بہنیں زبانیں رہی ہیں، کھڑی بولی پر آدھارت رہی ہیں، دونوں بہنیں زبانیں رہی ہیں، دونوں میں کافی کچھ ایکا ہے، گرامر ہے، اسٹرکچر کے شبد دیکھیں ان کو، ظاہر ہے شبداولی میں بھی 80% میرا ماننا یہ ہے کہ 80% ایسے ہیں جو بالکل ایک جیسے ہیں، لیکن پروسیس میں، تاریخ کے اگر آپ اس پروسیس میں جائیں تو دیکھیں کہ دونوں زبانیں
रफ्ता रफ्ता अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं। दोनों का अदब का जो सरमाया है, जो अदबी धरोहर है दोनों का साहित्य के स्तर पर, वो भी तकरीबन अलग अलग है। उनकी अलग अपनी एक पहचान, एक शनाख्त है। हिंदुस्तानी के हवाले से जाहिर है कि अभी भी इसकी गुंजाइशें मौजूद हैं। अगर आप निदा फाजली की ज़बान की शायरी करें, प्रेमचंद की ज़बान की कथा साहित्य अगर आप रचें, तो आपको शायद इस तरह की अलग अलग उसको कंपार्टमेंटलाइज करने की ज़रूरत महसूस नहीं हो। लेकिन हकीकत यह है कि आज ये दोनों भाषाएं और इन दोनों भाषाओं का साहित्य अपना एक इंडिपेंडेंट वजूद रखता है, अपना एक स्वतंत्र वजूद आज रखता है, उसको निगेट नहीं किया सकता। रही बात लिपि की, आपने नस्तालिक की बात की और देवनागरी लिपि की बात की। नस्तालिक ज़ाहिर है कि बेसिकली वो परशु अरबिक स्क्रिप्ट उसको कहते हैं, लेकिन आज जो उर्दू का स्क्रिप्ट है, आज जो उर्दू की लिपि है, वो परशु अरबिक लिपि नहीं है उस तरह से, क्योंकि उसमें बहुत सारी आवाज़ें, आकारी आवाज़ें आ गई हैं। उसकी अपनी अलग शनाख्त बनी, उसको आज हम उसे उर्दू लिपि के तौर पर ही जानते हैं एक तरह से। वो अब उर्दू लिपि में अगर आप फारसी को लिख दें तो फारसी वाला नहीं पढ़ेगा, आज नहीं पढ़ पाएगा। वो अरबी को लिख दें उस लिपि में तो अरबी वाला उसको नहीं पढ़ पाएगा, बिल्कुल अलग अलग है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर अरबी को आप किसी उर्दू वाले के सामने कहें कि इसको पढ़ दे तो नहीं पढ़ सकता है वो। फारसी भी लिपि में जो कुछ फारसी में लिखा हुआ है उर्दू वाला नहीं पढ़ सकता, इतना अंतर पैदा हो चुका है। उर्दू का अपना आज एक स्वतंत्र लिपि उर्दू के पास है, उसके पास। जाहिर है कि लिपि का जो संबंध है भाषा से, वो मेरा ख्याल ये है कि जो हमारे शरीर का चमड़ी से जो संबंध है, उसी तरह का संबंध किसी भी भाषा का लिपि से होता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसको आप अगर उसको शरीर से चमड़ी को हटा दें और कोई दूसरी चमड़ी उसके ऊपर चढ़ा दें, तो जाहिर है कि उस शरीर की जो रूपरेखा है, उसकी जो ओरिजिनलिटी है, उसकी अपनी जो पहचान है, उसका जो अपना वजूद है, वो जाहिर है कि बाकी नहीं रहता। आप सही कह रहे हैं। और असल में इस बात से मुझे दो बातें और याद आती हैं। एक तो ये कि जो हिंदी वाले मित्र ये सुझाव देते हैं कि उर्दू के लेखक नागरी में लिखने लगे, तो कुछ उसी तरह का सुझाव हिंदी के प्रसिद्ध लेखक असगर वजाहत ने दिया था कि हिंदी जो है उसे रोमन में लिखा जाना चाहिए ताकि वो दुनिया भर के लोग उसको आसानी से पढ़ सकें। एक पहलू और है, सुनिए एक मिनट पूरी बात कर लूँ। और दूसरी बात यह कि जुबान का काम केवल अदब नहीं होता, जुबान में और चीज़ें भी हैं, प्रशासन है, कानून है, फिलोसफी है, तमाम सारी चीज़ें हैं। और इस लिहाज से लिपि का अपना एक महत्व है, लिपि का अपना एक इतिहास है। और जो बात लिपि की जाती है, मुझे याद है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब आज़ाद हिंद सरकार बनाई थी तो उनका ये मानना था कि हिंदुस्तान की सारी जुबानें रोमन में लिखी जानी चाहिए। बिल्कुल। और आज़ाद हिंद सरकार के सारे सरकारी दस्तावेज रोमन में तैयार होते थे। बिल्कुल। तो आपकी बात से मैं एकदम सहमत हूँ, लेकिन मैं चाहता था कि ये बात रेखांकित हो। एक पहलू इसमें और जोड़ना चाहता हूँ। आपने रोमन का जिक्र किया, अगर पाठक पढ़ाना ही या बड़े पाठक तक पहुंचना ही मकसद हो तो रोमन को अपना लेना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया फिर हमारे सामने होगी, पूरी दुनिया हमारी पाठक होगी, क्या ये संभव है? दूसरा ये है कि उर्दू सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। एग्जैक्टली। उर्दू पाकिस्तान में बोली जाती है, न सिर्फ बोली जाती है, वहाँ की सरकारी जबान भी है। ये अलग बात है, बहुत दिलचस्प बात है, इसको जानना चाहिए कि पाकिस्तान के किसी भी रीजन की, किसी भी क्षेत्र की, किसी स्टेट की भाषा उर्दू नहीं है। उनकी मादरी जबान उर्दू नहीं है, मातृभाषा उर्दू नहीं है। पंजाबियों की पंजाबी है, सिंधियों की सिंधी है, बलूचिस्तानियों की बलूची है, मुल्तान की मुल्तानी है। एक मिनट, तो इसके बावजूद उर्दू जो है वहाँ पे पॉलिटिकल रीज़न से एक तरह से थोपी गई उन लोगों पर, जबकि उर्दू का कोई रूट पाकिस्तान में नहीं है। उर्दू यहाँ पैदा हुई, यहाँ पली बढ़ी, यहाँ की भाषा रही है। दूसरी ये, पाकिस्तान के अलावा इंग्लैंड में, अमरीका में, दुबई में, खलीज के दूसरे मुल्कों में, खाड़ी के मुल्कों में आप जाएँ, उर्दू की बस्तियां वहां आबाद हो चुकी हैं। मैं एक बाज़ाब्ता वहां से अखबार निकलते हैं, मैगजीन निकलते हैं, लोग लिखते हैं, फिर उनका क्या करेंगे आप? उनकी लिपि अंतरण कैसे करेंगे? आपने एक जो बात कही जिसको सुनकर के हिंदी के लोगों को बहुत उत्साह हो सकता है, उस पर मैं कुछ टिप्पणी करना चाहता हूँ। आपने कहा कि उर्दू के पाठक घटे हैं। आपको मैं ये हृदय विदारक सूचना दूँ कि हिंदी में भी कोई बहुत उत्साहजनक स्थिति नहीं है। और संयोग से मुझे एक बात याद आती है, मैंने किसी पत्रिका में एक विज्ञापन देखा था, शायद प्रेमचंद के ही अपने अखबार में, जागरण में या अंश में, और ये सन 30 में उनका उपन्यास रंगभूमि छपा था जी। और ये विज्ञापन 1933 बल्कि 1932 में छपा ये विज्ञापन, जिसमें प्रकाशक यानी स्वयं प्रेमचंद ये सूचना दे रहे हैं कि इस उपन्यास के पहले संस्करण की जो हमने 5000 कॉपियाँ छापी थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, अगला संस्करण भी बहुत जल्दी ख़त्म होने के इम्कान हैं, इसलिए आप अपनी कॉपी एडवांस में बुक कर लें। सन 30 में लिखा गया एक उपन्यास, सन 32 में 5000 कॉपी उसकी बिक सकती थी। ये सूचना आज के किसी भी हिंदी उपन्यासकार
और हिंदी प्रकाशक के लिए ईर्ष्या उत्पन्न करने वाली सूचना होगी, क्योंकि आज उपन्यास की 1000 कॉपी 5 साल में नहीं बिकती है। इसलिए शिक्षा का प्रसार जिस तरह से हुआ है, इसलिए वो एक अलग ही मसला है। उसके बावजूद उस समय हिंदी कितनी यूनिवर्सिटीज में एमए में पढ़ाई जाती थी भगवान जाने, आज दसियों यूनिवर्सिटीज में हिंदी एक विषय के रूप में। इस वजह से एक और सवाल पैदा होता है कि जो साहित्य के प्रति इतनी अरुचि, इतनी असंवेदनशीलता, चाहे वो हिंदी में हो चाहे उर्दू में हो, गरज के तमाम भारतीय जुबानों में, हम लोग बांग्ला और मराठी और मलयालम के बारे में बहुत अच्छी राय रखते हैं, लेकिन वहाँ भी मित्रों का कहना ये है कि धीरे धीरे गंभीर साहित्य और संस्कृति के प्रति नौजवान पीढ़ी की रुचि घट रही है। आपको क्या लगता है कि ऐसी स्थिति में भारतीय भाषाओं का साहित्य, उर्दू, हिंदी, बांग्ला, मराठी, कोई गरज कोई जुबान हिंदुस्तान की, आपको क्या लगता है, मतलब क्या ये कहना बहुत निराशावाद होगा कि भविष्य बहुत उत्साहवर्धक नहीं है जहाँ तक साहित्य का सवाल है? असल में साहित्य, जाहिर है कि हम सब जानते हैं कि साहित्य इंसान की सोच का, इंसान की फिक्र का, इंसान के आइडियाज़ का सबसे बेहतरीन इजहार है, एक तरह से एक बेहतरीन उसका एक्सप्रेशन एक तरह से साहित्य है। ये ज़रूर है कि आज जिस तरह से साहित्य को ट्रीट किया जा रहा है, जिस तरह से अदब को ट्रीट किया जा रहा है, जाहिर है कि वो ज़रा दुखद है। वो हमारे लिए जाहिर है कि एक अच्छी मिसाल हमारे सामने नहीं पैदा हो रही है। साहित्य का पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि साहित्य हमें इंसान बनने में मदद करता है। हमारी ह्यूमन जो सेंसिटिविटीज़ हैं, जो संवेदना है, ह्यूमन जो हिस्सियत हमारी है, इंसानी हिस्सियत, उसको संवारने में, उसको बनाने में, उसको पॉलिश करने में साहित्य का बहुत बड़ा रोल रहा है। इकबाल का एक सिर्फ मैं शेर मैं चाहूँगा कि बल्कि गालिब का शेर उससे पहले पढ़ना चाहूँगा। ज़रूर ज़रूर इरशाद, कि बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, गालिब का ये शेर है, बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। आदमी के रूप में पैदा हो जाने महज से ही कोई इंसान नहीं बन जाता है। इंसान को जाहिर है कि इंसानी गुणों से जब तक आप इनकलकेट उसके अंदर नहीं करेंगे, जाहिर है कि इंसान नहीं बन सकता है। इकबाल का एक शेर है, उस दौर में, इकबाल आज से तकरीबन 70 साल पहले ये शेर लिख चुके थे, जब उस ज़माने में मशीनों का बड़ा, और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को जिस तरह से उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा था, उसके बारे में उन्होंने लिखा था कि एहसास मरवत को है दिल के लिए मौत, मशीनों की हुकूमत, हमारे ऊपर मशीन हुकूमत करने लग जाए, आज हम वाकई उसके महकूम होकर रह गए, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मरवत को कुचल देते हैं आलात, आलात यानी औजार, मशीन, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मरवत को कुचल देते हैं आलात। तो जाहिर है कि ये इंडिकेशन है उसकी तरफ कि अगर हम मशीन बन जाएंगे, हमारी इंसानियत ख़त्म होती चली जाएगी, तो जाहिर है कि उसका कोई, उस नुकसान का, उस क्षति का, जाहिर है कि इस समाज के लिए, बहुत इंसानी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान। बहुत धन्यवाद पासवान साहब। अब हम एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद अगले सेगमेंट में यहाँ मौजूद ऑडियंस में जो मित्र हैं और नौजवान हैं उनके साथ बातचीत जारी रहेगी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। निदा फाजली बुनियादी तौर पर इंसानियत को अपना मजहब तसव्वुर करते थे। वो जिस तरह से हमारा समाज धर्मों में बटा हुआ है वो उसके कायल नहीं थे। वो सबसे बड़ा धर्म इंसानियत को मानते थे। नमस्कार, ब्रेक के बाद स्वागत है कार्यक्रम में आपका। और इस कार्यक्रम के इस हिस्से में हम लोग बातचीत करेंगे ऑडियंस के साथ। सबसे पहले ग्वालियर के बुजुर्ग शायर वकार साहब। जी वकार साहब, अभी ये चर्चा हुई कि निदा की शायरी पे जो है हिंदी का असर, और ये पाया जाता है सूरदास का, मीरा का, ये वो, जिस तरह से गालिब का और मीर का असर भी पाया जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। निदा ने अपने एक इंटरव्यू में, जिसको मैं उर्दू दुनिया में छपा भी है, उसमें भी ये बात कही थी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि उस वक्त की शायरी, यानी निदा के यहाँ जो ये चीज़ आई है, ये कोई नई नई नहीं, बल्कि ये उर्दू शायरी का इब्तदाई दौर जो था, आबरू का, और उस ज़माने के 4-5 शायर जो थे,
उनके यहाँ आप देखिए कि हिंदी के मिसरे हिंदी के हैं जी जी। तो इस वजह से हम ये भक्ति का और तसव्वुफ का जो असर था उर्दू पे उसकी वजह से ये सिलसिला चल रहा है और निदा उसके अंदर बड़े कामयाब साबित हुए। शुक्रिया। रश्मि जी। जी नमस्कार, मैं रश्मि सभा। निदा साहब कहते हैं कि बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ, और उन्होंने माँ के लिए शेर कहे, पिता के लिए भी उन्होंने लिखा और अपनी बेटी के लिए भी लिखा। इससे उनके जो रिश्तों की उनके जीवन में उनकी शायरी में अहमियत दिखाई देती है, जो शिद्दत दिखाई देती है और जो रिश्तों से निस्बत दिखाई देती है। दूसरी तरफ उनका एक फ़कीराना अंदाज, कलंदाराना रविश, तो मैं जानना चाहूँगी ये दोनों रूप आप उसको किस नज़र से देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? निदा फाजली इंसानी रिश्तों को बहुत अहमियत देते थे। उनकी शायरी में जो घरेलू संबंध थे, ख़ासतौर से माँ का आपने जिक्र किया, बेटी पे उनकी नज़्म, और बेटी भी कैसी, हामला बेटी के बारे में उनकी कविता ऐसी कविता है कि जैसे कोई आशिक अपने माशूक के लिए कविता लिखता है। क्या बात, उस तरह का टच है उसके अंदर मौजूद है। यानी एक बाप अपनी बेटी को देख रहा है और उसके उस पूरे हुस्न को कि एक नई दुनिया आबाद करने जा रही है, इंसानियत के इस सफ़र में एक नया कारवां वो जाहिर है कि वहाँ से शुरू करने जा रही है। तो इस तरह से देखना उस रिश्ते को, आपने बिल्कुल वो मीठी चटनी वाली, खट्टी चटनी वाली, मैं चाहूँगा कि उसके कुछ शेर में इजाज़त है अगर तो पढ़ूँ। जरूर। और आप देखिए कि मिट्टी की जो खुशबू है, ये ग्वालियर की खुशबू है, ये ग्वालियर उसके आसपास की खुशबू है, और वही खुशबू जो हिंदुस्तान की खुशबू बन जाती है। बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ, माँ को किसी ने इस तरह से डिस्क्राइब नहीं किया होगा। खट्टी चटनी जैसी माँ, क्या बात है। बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ, याद आती है चौका बासन चिमटा फुकनी जैसी माँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उर्दू में तो किसी ने इस तरह की पोएट्री नहीं की है, हिंदी में भी शायद ऐसी खट्टी चटनी तो किसी ने नहीं कहा। बांस की खर्री खाट के ऊपर हर आहट पर कान धरे, आधी सोई आधी जागी थकी दोपहरी जैसी माँ। वाह क्या बात है। चिड़ियों की चहकार में गूंजे राधा मोहन अली अली, ये कंपोजिट कल्चर भी देखिए। राधा मोहन अली अली, चिड़ियों की चहकार में गूंजे राधा मोहन अली अली, मुर्गे की आवाज से खुलती घर की कुंडी जैसी माँ। वाह वाह वाह, सुबह मुर्गे की आवाज़, घर की कुंडी। बीवी बेटी बहन, आपने रिश्तों की बात की, बीवी बेटी बहन पड़ोसन थोड़ी थोड़ी सी सब में, बीवी बेटी बहन पड़ोसन थोड़ी थोड़ी सी सब में, दिन भर एक रस्सी के ऊपर चलती नटनी जैसी माँ। बहुत बढ़िया। और बांट के अपना चेहरा माथा आँखें जाने कहाँ गई, बांट के अपना चेहरा माथा आँखें जाने कहाँ गई, फटे पुराने एक एल्बम में चंचल लड़की जैसी माँ। माँ का ये डिस्क्रिप्शन, ये वर्णन माँ के हवाले से, वो इस रिश्ते को भी देखिए आप कि कितनी शक्लों में माँ हमारे सामने इस शायरी के टुकड़े में। मैं मदन मोहन दानिश। निदा फाजली साहब के शायरी के हवाले से बात करें तो वो अपने खुदा को कई बार गरीब के घर में गेहूँ का कनस्तर भी भरवाते हैं, बूढ़ी माँ का टूटा हुआ चश्मा भी बनवाते हैं उससे, और कभी उसे किसी बच्चे की मुस्कान में रख देते हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि उनके नज़दीक खुदा का तसव्वुर क्या है, या यूं कहें कि उनकी शायरी में खालिक और मखलूक के बीच क्या रिश्ता है, सृष्टि और सृष्टा के बीच में क्या है? बिल्कुल आपने सही कहा, और ज़ाहिर है कि निदा फाजली बुनियादी तौर पर इंसानियत को अपना मज़हब तसव्वुर करते थे। वो जिस तरह से हमारा समाज धर्मों में बटा हुआ है वो उसके कायल नहीं थे, वो सबसे बड़ा धर्म इंसानियत को मानते थे और उसकी तलाश में वो पूरी ज़िंदगी सरगर्दा रहे। इसीलिए वो मस्जिद में नमाज पढ़ने के बजाय रोते हुए बच्चों को, वो इसीलिए उनका वो शेर है। दो शेर मैं आपके सामने इस हवाले से रखना चाहूँगा कि बच्चा बोला देख के मस्जिद आली शान। एक बच्चे के हवाले से देखिए क्या इमेजिनेशन है मस्जिद के बारे में उसका, और ये सिर्फ मस्जिद नहीं है, ये गुरुद्वारा भी हो सकता है, ये मंदिर हो सकता है, ये चर्च भी हो सकता है। उन्होंने उस सिंबल को इस्तेमाल किया है कि बच्चा बोला देख के मस्जिद आलीशान, अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान। ये इमेजिनेशन। उसी तरह से आप देखें कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, यहाँ भी मस्जिद उसी संदर्भ में है, मंदिर भी है, चर्च भी है, गुरुद्वारा भी है, वो रूपक है एक। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो जाहिर है कि बच्चे का जो रूप होता है, अपने खालिक और मखलूक का रिश्ता,
وہ انسان، وہ شخص جو انسان سے محبت نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھگوان سے محبت نہیں کر سکتا. وہ پہلی منزل ہے، وہ پہلی سیڑھی ہے کہ اگر آپ پہلے انسان سے محبت کر سکتے ہیں، پریم کر سکتے ہیں، تبھی آپ اس بھگوان سے پریم کرنے کا دعویٰ کر سکتے ہیں اور اس لائق بن سکتے ہیں. یہ بنیادی فلسفہ تھا ندا کا. سورداس کی کویتا میں تو بھگوان بچے کے ہی روپ میں پوجا جاتا. بالکل. اتول اجنبی صاحب نمسکار. سر میں، میرا نام اتول اجنبی ہے. 1970 کے آس پاس ہندوستان کے مشہور نقاد شمس الرحمان فاروقی صاحب نے شعر، غیر شعر اور نثر میں 5 شاعروں کو پریڈکٹ کیا تھا. اختر الایمان صاحب، بلراج کومل، عمیق حنفی، وزیر آغا اور ایک نام ندا فاضلی کا کہ یہ آنے والے وقت میں بڑے شاعر ہوں گے. اپنی لیکھنی سے، اپنے سرجن سے، اپنے تخلیق سے ندا صاحب نے یہ ثابت بھی کیا. 2000 کے آس پاس جب میں ان کی نثر پڑھتا ہوں تو لگتا ہے کہ اس سے اچھی نثر نہیں ہو سکتی ہے. جب نظم پڑھتا ہوں تو لگتا ہے کہ اس سے اچھی نظم نہیں ہو سکتی ہے. جب غزلیں پڑھتا ہوں تو لگتا ہے کہ اس سے اچھی غزل نہیں ہو سکتی ہے. جب دوہے پڑھتا ہوں تو لگتا ہے کہ اس سے اچھے دوہے نہیں ہو سکتے ہیں. میں یہ ساری چیزیں ایک پاٹھک کی نظر سے مجھے لگا. آپ ایک نقاد ہیں، آپ کس نظریے سے ندا فاضلی کے ان سب صنف سخن کو دیکھتے ہیں اور کس حوالے سے آنے والے وقت میں 100-200 سال بعد ندا صاحب زندہ رہیں گے؟ آپ نے فاروقی صاحب کا ذکر کیا، ظاہر ہے کہ وہ ایک خاص نظریے کے ناقد رہے ہیں، جدیدیت کے امام ایک طرح سے مانے جاتے رہے ہیں. ان کا ایک نظریہ ادب کو دیکھنے کا رہا ہے. انہوں نے جن 5 شاعروں کا ذکر کیا، آپ نے ظاہر ہے کہ شعر، غیر شعر اور نثر میں آپ نے یہ باتیں کی انہوں نے. میں سمجھتا ہوں کہ ان 5 شاعروں میں ندا واحد ایسے شاعر ہیں جو ان کے اس فریم میں فٹ نہیں ہوتے جو شمس الدین فاروقی صاحب کا بنایا ہوا فریم ہے، چاہے وہ بھاشا کے استر پہ ہو، چاہے وہ تھیم یا آئیڈیاز کے استر پہ ہو. کیونکہ وہ جو کنیکٹ ہے اپنے ریڈر کے ساتھ، جو رشتہ ہے اپنے ریڈر کے ساتھ، وہ ان 5 میں سے کسی کے ہاں اس طرح سے قائم نہیں ہو سکا جو ندا کے ہاں قائم ہوا ہے. اس لیے ندا مقبول بھی ہوئے، اس لیے ندا کامیاب بھی ہوئے. اور ندا کی زبان میں جو مٹھاس ہے، وہ مٹی کی جو خوشبو ہے اس کے اندر، وہ بھاشاؤں کے انتر کو نہیں مانتے تھے. وہ بھاشا جو عوام کی بھاشا ہے، اس کو آپ اردو میں لکھ دیں یا اس کو آپ ہندی لپی میں، دیوناگری لپی میں لکھ دیں، ظاہر ہے کہ بھاشا وہی ہے. وہ اس کے قائل تھے. وہ عام آدمی کی جو بھاشا ہے اس میں انہوں نے شاعری کی، عام آدمی کی بھاشا میں انہوں نے نثر نگاری کی، پروز رائٹنگ کی، جو انہوں نے گد بھی لکھا ہے. گد میں بھی یکساں طور پر وہی دلکشی، وہی جاذبیت، وہی حسن وہاں بھی موجود ہے ندا کے یہاں، جو ان کی شاعری میں موجود ہے. اور اس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ وہ عوام کے ساتھ اپنا رشتہ بنائے رکھنا چاہتے تھے، قاری کے ساتھ اپنا رشتہ بنائے رکھنا چاہتے تھے. اور اس شاعری سے جو میں نے شروع میں شعر پڑھا تھا کہ سورج کو چونچ میں لیے مرغا کھڑا رہا، کھڑکی کے پردے کھینچ دیے، رات ہو گئی، وہاں سے جب ڈیویشن ان کا ہوتا ہے، اس کے بعد جا کر کے اس مقام پر ندا پہنچتے ہیں جہاں ان کے دور کا کوئی دوسرا ہم اثر شاعر اگلا سوال لے وہ اس مقام تک نہیں پہنچ پایا. راکیش پاٹھک. میں ڈاکٹر راکیش پاٹھک ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آج کے جو حالات ہیں دنیا کے اور ہمارے ملک کے آس پاس کے، ندا صاحب بھی آخری کے دور میں، اپنے آخری کے دنوں میں لکھتے ہیں کہ اب ہر آزادی پہرے میں ہے، تو یہ جو انسانیت پر جو پہرے اور پابندیاں لگاتار، چاہے وہ دہشت گردی کی ہوں چاہے دوسری سیاسی ہوں، آپ اس کو، اس سے مقابلہ کرنے میں ادب کو کہاں پاتے ہیں اور ندا صاحب کے حوالے سے؟ میں نے شروع میں جب ادب کے امپورٹنس پہ بات ہو رہی تھی، کس طرح سے ادب کا ہمارے درمیان سے وہ جو اسپیس ادب کو ملنا چاہیے وہ ختم ہو رہا ہے، اس میں یہ بات ہم نے کہی تھی کہ ادب کا بنیادی کام انسان کو انسان بنانا ہوتا ہے، آدمی کو انسان بنانا ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ جس طرح کے حالات اگر آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے، نئی نسلوں کے اندر جس طرح سے ادب سے بیروچی پیدا ہو رہی ہے، ساہتیہ سے ایک طرح سے بیروچی پیدا ہو رہی ہے، ظاہر ہے کہ وہ بہتر سائن نہیں ہے اور ہم بہتر مستقبل کی طرف شاید نہیں جا رہے ہیں. لیکن ایسی صورت میں بھی جو ندا کے ہاں جو رویہ ملتا ہے اس کو آپ دیکھیں کہ احتجاج بھی وہ کرتے ہیں. احتجاج کہتے ہیں پروٹیسٹ کو. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان سے پروٹیسٹ کی روایت ختم ہوتی جا رہی ہے، جو اچھی نہیں ہے ڈیموکریسی کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے. ان کے دو صرف میں شعر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ہر زندگی ہے ہاتھ میں کشکول کی طرح، کشکول کہتے ہیں بھیک مانگنے کا وہ کٹورا، ہر زندگی ہے ہاتھ میں کشکول کی طرح، محرومیوں کے پاس بغاوت نہیں رہی. ہم سب لالچ کے پیچھے، اپنے ذاتی فائدے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اب محرومیوں کے پاس بغاوت نہیں رہی. یعنی اپنی محرومیوں کی زنجیر کو توڑنے کے لیے جس بغاوت کی ضرورت ہے وہ اب ایک طرح سے ختم ہوتی جا رہی ہے. یہ کنسرن ہے ندا کا اپنے سماج کے حوالے سے. اسی طرح سے آپ دیکھیں، سب اپنی اپنی موت سے مرتے ہیں ان دنوں،
सब अपनी अपनी मौत से मरते हैं इन दिनों, अब दश्त करबला में शहादत नहीं रही। दश्त करबला जहाँ हुसैन ने उन्होंने जो शहादत दी थी एक कौज के लिए, अच्छाई के लिए, नेकी के लिए, वो कह रहे हैं निदा कि अब दश्त करबला में शहादत नहीं रही, अब हम भेड़ बकरों की तरह, जानवरों की तरह मर रहे हैं, अपने स्वार्थों लेकिन, के लिए, हाँ, लेकिन मूल्यों के लिए शहादत देने का जज्बा हमारे दरमियान से खत्म हो रहा है जी। अब मैं चाहूँगा कि जो नौजवान यहाँ बैठे हुए हैं, हाँ प्लीज, आपने जैसे कि यही बोला था कि हमारी नौजवान पीढ़ी में ख़त्म होता जा रहा है, इसका ये ऐसा कौन सा राक्षस है जो ये ख़त्म कर रहा है? और आपने जैसे कि बताया था कि पाकिस्तान में उर्दू इज़ जस्ट इम्पोज्ड ऑन देम, ऐसी कौन सी राक्षसी ताकतें काम कर रही हैं जो ये सब इम्पोज कर रही हैं इन सब चीज़ों को और ख़त्म करती जा रही हैं? वाई पाकिस्तान में उर्दू इम्पोज करने वाली राक्षसी का नाम तो हम सब जानते हैं, पार्टीशन, पार्टीशन, कम्युनल पार्टीशन की सियासत, इसकी वजह से पार्टी पाकिस्तान में पंजाबियों पर, सिंधियों पर उर्दू इम्पोज कर दी गई। दूसरी जिस राक्षसी का आप जिक्र कर रहे हैं वो ज़्यादा गंभीर मामला है और वो ज़्यादा चिंताजनक है, और संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि उस राक्षसी का नाम है एजुकेशन का वो सिस्टम जिसका लक्ष्य लोगों को मशीन और रोबोट बनाना है पैसा कमाने की, बल्कि आप कह सकते हैं कि जिसका लक्ष्य लोगों को ATM में तब्दील करना है, एनी टाइम मनी में, तो वो ATM मशीन में तब्दील करने वाला जो एजुकेशन का सिस्टम है वही वो राक्षसी है जो साहित्य को, कला को, संस्कृति को, सबको हाशिए पर फेंके जा रही है। और कोई सवाल बच्चों में से? जैसे कि सर अभी निदा वाजली साहब ने एक किताब लिखी थी कई दिन पहले, मेरी कलम, सर उसमें एक लाइन आती है, दुनिया जैसे कहती है जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। सर ये आजकल दिन ब दिन युवा पीढ़ी के हिसाब से बिल्कुल खोती जा रही है, सर इसे वापस कैसे ला सकते, इसे दोबारा लोकप्रिय हो सके युवा पीढ़ी के बीच? कैसे वो मिट्टी का खिलौना जो है, जाहिर है दुनिया को देखने का जो नज़रिया है निदा का, वो आपने बिल्कुल बजा फरमाया था, आपने से किसी साहब ने ये कहा था कि निदा बुनियादी तौर पर एक कलंदर किस्म के आदमी थे, इन्होंने कहा था रश्मि, कलंदर किस्म के आदमी थे वो, जाहिर है कि एक तरफ रिश्तों को उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंस भी दी थी, दूसरी तरफ बिल्कुल ज़िंदगी कलंदराना तरीके से गुजारी थी उन्होंने, वो घर बार से दूर रहे, जाहिर है कि उनके अंदर एक कलंदराना शानपंदा पैदा हो गई थी। जाहिर है कि उस सेंसिविटी को अगर आप साहित्य को एजुकेशन सिस्टम में, आपने जैसे कि बताया कि सिर्फ नंबरों के लिए ATM ना बनाया, अगर उसको आपने एनी टाइम, बल्कि मैं तो कहता हूँ उसे ऑल टाइप मनी ऑल टाइप ऑफ मनी, तो जाहिर है कि हर तरह से पैसा कमाने की जो एक तरह से होड़ है इस वक्त, उससे हमें अगर अपने अपनी नई नस्ल को बचाना है तो उसमें ज़रूरी। मैं एक चीज़ बेटी, मैं आपके बारे में एक चीज़ मैं कहूँगा कि आज भी, बल्कि वो रिवायत ख़त्म हो रही है, घर में पहले हमारी दादी अम्मा, नानी अम्मा कहानियाँ सुनाती, बच्चों को कहानियाँ सुनाती, कहानियाँ सुनाती, वो कहानियाँ मूल्यों पर आधारित कहानियाँ होती थी, मॉरल उनके बच्चों के अंदर होते थे, उसमें जीवन के अनुभव होते थे, उसमें जो शायरी का हिस्सा होता था, जो उसमें कहानियों का हिस्सा होता था, उन सब में वो अनुभव मौजूद होती थी, वो चीज़ें बीच से ख़त्म होती जा रही है, हमें उसके बारे में चिंता करनी पड़ेगी कि हम उसको कैसे वापस ला सकते हैं। हाँ आप, मैं डॉक्टर खेमरिया, साहित्यस्य भावः साहित्यम इति कथ्यते, ऐसा कहा जाता है, और निदा साहब के काव्य में, साहित्य में भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत साहित्यिक संचेतना दृष्टिगोचर होती है, तो ऐसा लगता है कि संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का भी उन्होंने प्रयोग किया है, आपका क्या मानना है? मैं समझता हूँ कि निदा फाजली ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि मैं अपनी शायरी की ज़बान लाइब्रेरी में तलाश नहीं करता, वक़ार सिद्दीकी साहब को मालूम होगा कि मैं अपनी आपके उसमें आपके इंटरव्यू देते हूँ, मैं अपनी शायरी की ज़बान लाइब्रेरी में तलाश नहीं करता, मैं अपनी शायरी की ज़बान तलाश करता हूँ चौराहों पर, गलियों में, बाज़ारों में, मेरी वो ज़बान है, यानी आम आदमी की ज़बान, और वो आम आदमी की जो ज़बान है इन तमाम झंझटों से पाक है वो, नहीं इसमें कि कहाँ आप संस्कृत का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ आप फारसी का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। आप माफ़ करेंगे, एक बात मैं कहूँगा, संस्कृत हो, फारसी हो, अरबी हो, इद्दिश हो, आयरिश हो, अब जैसे हम में से कितने लोगों को ये पता है कि बोतल पोर्चुगीज भाषा का शब्द है, हम में से कितने लोग जानते हैं कि अचार पोर्चुगीज भाषा का शब्द है, तो ये कहना कि साहब वो संस्कृत निष्ठ शब्दावली है, वो अरबी निष्ठ शब्दावली है, कविता में एक मिनट, अवामी शब्दावली है जो बात कह रहे हैं निदा के बारे में, कि जो
सहज रूप से हमारी भाषा में, हमारी भाषिक परंपरा में जो शब्द आ गए हैं उन्हें कोई भी सार्थक कवि अपने यहाँ इस्तेमाल करता है, चाहे उनका स्रोत आप संस्कृत में खोज लें, चाहे पुरानी ग्रीक में खोज लें, चाहे कहीं भी खोज लें। और कोई सवाल? हाँ जी जी जी, मेरा नाम विवेक पाठक है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से कि कबीरदास जी ने अपने समय में पाखंडवाद और आडंबरों का विरोध करते हुए लिखा है, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस तरह का ना कि केवल देश बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माहौल बना है, तो निदा फाजली जी ने जो गज़ल लिखी है, शायरी की है, वो किस तरीके से प्रासंगिक है? देखो, अब बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ मैं, वो हमारे एक मित्र चुटकुला कहते हैं कि सारी रात रामायण पढ़ी और सुबह सवाल पूछा कि सीता कौन था। तो बात यही हो रही है, और निदा और दूसरे किसी भी महत्वपूर्ण कवि के बारे में ये सच है कि अपने समय के पाखंड, अपने समय के अन्याय के विरुद्ध वो अपने समय की जुबान में आवाज़ उठाता है। इसीलिए कबीर 600 साल बाद याद किए जाते हैं, और इसीलिए जैसे पासवा साहब कह रहे थे कि उम्मीद की जाए कि निदा याद किए जाएंगे, इसीलिए गालेबाज याद किए जाते हैं, इसीलिए टैगोर याद किए जाते हैं। कोई भी बड़ा कवि इसीलिए याद किया जाता है कि वो अपने समय के बारे में कुछ कहता है। और कोई एक, सवाल एक, हाँ, एक, हाँ, इसमें थोड़ा थोड़ा समय इसमें ऐड करना चाहूँगा कि आपने कबीर का जिक्र किया, पाखंड के खिलाफ जाहिर है कि पूरी ज़िंदगी अपनी शायरी के ज़रिए लड़ते रहे वो। उनका एक दोहा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। बिल्कुल उसी तरह, उसी तर्ज पे निदा का आप ये शेर देखिए, चाहे गीता बाचिए या पढ़िए कुरान, चाहे गीता बाचिए या पढ़िए कुरान, मेरा तेरा प्यार ही हर पुस्तक का ज्ञान। हर पाखंड के खिलाफ जाहिर है, सबकी पूजा एक सी, अलग अलग हर रीत। ये निदा बोल रहे हैं कि सबकी पूजा एक सी, अलग अलग हर रीत, मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। तो जाहिर है कि असल जो है वो आपकी, चाहे वो मजहबी आपके जज्बात हों, उसकी आप संतुष्टि करना चाहते हो। पाखंड के विरुद्ध, अन्याय के विरुद्ध बोले बिना कोई कवि कभी हो कैसे सकता है? हाँ, अगला सवाल। नमस्कार सर, मैं हूँ मोनिका पाठक। जैसा कि आपने बताया कि साहित्य के प्रति जो अरुचि बढ़ती जा रही है, न्यूक्लियर फैमिलीज जिसका कारण है, तो आप अपने नज़रिए में क्या सुझाव रखना चाहेंगे जिससे साहित्य के प्रति रोचकता बढ़े और जो मानवीय संवेदनाएं घटती जा रही हैं उनमें बढ़ोतरी हो? इस पे जाहिर है कि न सिर्फ अदीबों को, शायरों को, लेखकों को, बल्कि पूरे इस पूरी व्यवस्था को इस पे गौर करना पड़ेगा। ये सिर्फ न्यूक्लियर फैमिली की वजह से नहीं हुआ है, मशीनों की तरफ, जैसे हम ATM जाहिर है कि बनते चले जा रहे हैं, या उसी की तरफ हमारा सारा रुझान है। उस पूरे रुझान को, उस तरह की प्रवृत्ति को जाहिर है कि हमें समझना होगा, और फिर अपना भी एक तरह से एक आत्ममंथन भी करना होगा कि हम कैसे अपनी आने वाली नस्लों को एक बेहतर समाज, एक बेहतर सोच, एक बेहतर इंसान बनने का सबक दे सकें। ये हम सबका इज्तमाही कंसर्न है, एक सामूहिक कंसर्न हम सबका। एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा इसमें, आमतौर से इस तरह के सवाल दूसरे से किए जाते हैं, यानी जैसे आप इनसे कर रही हैं या व्यवस्था से कर रही हैं या किसी से। बहुत बेहतर होगा कि इस तरह के सवाल हम अपने आप से भी करें। मिसाल के तौर पर आप अपने आप से ये पूछें कि आपको अपनी पढ़ाई के बाद दिन में जो 2-3 घंटे का वक्त मिलता है, उसमें से आप कितना बेहतर साहित्य पढ़ने में लगाती हैं, या कितना अपनी मम्मी या पापा को परेशान करने में लगाती हैं कि हमें कोई कहानी सुनाओ। तुमने जो भी अपने मम्मी पापा से, हमारे दादी दादा या नानी नाना से सुनी हो कहानी, वो हमें सुनाओ। और खुद तुम क्या नाम है तुम्हारा? मोनिका, तुम खुद अच्छा साहित्य पढ़ने में, चाहे हिंदी का, उर्दू का, अंग्रेजी का, किसी जुबान का, तुम खुद दिन में कितना वक्त देती हो, ये सवाल अपने आप से पूछो। क्योंकि व्यवस्था की बात करके कई बार हम लोग अपनी खुद की जिम्मेवारियों से बरतरफ होने की भी कोशिश करते हैं। अगला सवाल जी। सर, मेरा नाम रोहित साहू है और मेरा सवाल थोड़ा अलग है इस विषय से जी। इस समय बहुत सारी किताबें, द सीक्रेट ऑफ नागाज, मिलुहा, देवदत्त पटनायक साहब, बहुत सारी माइथोलॉजिकल टेक्स्ट जो है उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हैं, क्या ये सही है या गलत? माइथोलॉजी का री इंटरप्रिटेशन बजाते खुद गलत नहीं है। हिंदी की एक महानतम कविता राम की शक्ति पूजा माइथोलॉजिकल इंसिडेंट का री इंटरप्रिटेशन ही है, और ऐसी कविताएं दुनिया के हर साहित्य में लिखी जाती हैं जिसमें अपने समाज की परंपरा, संस्कृति और इतिहास को और मिथकीय बोध को
अपने समय के अनुसार ढाला जाता है। साकेत मैथिली शरण जी का महाकाव्य, अभी पिछले दिनों भगवान सिंह का उपन्यास आया था 20 साल पहले अपने अपने राम, ये सब री इंटरप्रिटेशन से। सवाल ये है कि उनमें लिटरेरी कैलिबर कितना है, साहित्यिक गुणवत्ता कितनी है। उस लिहाज से जिन पुस्तकों के आपने नाम लिए, ये मेरी व्यक्तिगत सीमा हो सकती है, लेकिन मैं उन्हें साहित्य ही नहीं मानता जिन पुस्तकों के आपने नाम लिए, और ये मैं बिना पढ़े नहीं कह रहा हूँ। सर, ये जो आजकल हिंदी साहित्य है वो युवा पीढ़ी से काफ़ी दूर जा रहा है, क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा उसमें हिंदी लगभग क्लास 8 के बाद हमको है ही नहीं। तो सर, जो हिंदी साहित्य है वो हम लोगों तक कैसे पहुँचेगा? हिंदी गनीमत है कि तुमने कहा कि क्लास 8 तक है, उर्दू तो क्लास 1 में भी नहीं है। और इसलिए मैं तुम्हारी चिंता से पूरी तरह सहमत हूँ। हिंदी की व्यवस्था तो हाँ, हिंदी के भ्याप पर भी, उर्दू के भ्याप पर भी, और वो खुदा गंजे को नाखून नहीं देता। लेकिन अगर मेरे हाथ में हो तो 8वीं क्लास नहीं 18वीं क्लास तक आपको साहित्य पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वो जब खुदा गंजे को नाखून देगा तब देखा जाएगा। जी हाँ, आप दानिश साहब, आप पूछिए। मीर साहब का एक शेर है कि यही जाना कि कुछ न जाना है, सो भी एक उम्र में हुआ मालूम। निदा साहब की शायरी का जो उत्तरार्ध है, दूसरा हिस्सा है, उसमें भी वो इस तरह के शेर कहते हैं कि फलक भी हाथ ना आया जमी के भी न रहे, किताब पढ़ के जो निकले कहीं के भी न रहे। तो क्या वो भी इसी प्रोसेस में शामिल हो गए थे, जानने से न जानने की तरफ, या लर्न से अनलर्न के प्रोसेस में? आप कैसे देखते हैं नक्काद के रूप में? बुनियादी तौर पर ये निदा का एक तरह से उनके यहाँ ये बगावत के तौर पर ये चीज़ें आती हैं, रिबेलियन के तौर पर ये चीज़ें आती हैं। जो कुछ हालात हैं समाज के, माशरे के, उसके कंटेक्स्ट में वो पढ़ करके इंसान जितना शातिर, बदमाश और गैर इंसानी हरकतों में मुलव्वस पाया जाता है, ज़ाहिर है कि वो कम पढ़े लिखे लोग शायद उससे कम पाए जाते हैं। मैं एक शेर सिर्फ पढ़ के आपका जवाब, निदा के हवाले से, अगर आप देखें कि बच्चों के छोटे हाथों को चाँद सितारे छूने दो, बच्चों के छोटे हाथों को चाँद सितारे छूने दो, चार किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। क्या बात है, ये निदा असल प्रोटेस्ट है। प्रोफेसर अनवर पाशा, मैं माफ़ी चाहता हूँ लेकिन मुझे यहाँ बात रोकनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद यहाँ बैठे सभी नौजवान दोस्तों का, सभी वरिष्ठ साथियों का। मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। हर एपिसोड की तरह इस पर भी आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा। आप अपनी राय हमारे फेसबुक पेज पर या हमारे ट्विटर हैंडल राज्यसभा TV #किताब पर दे सकते हैं, हम आपकी राय का इंतज़ार करेंगे। और जो कमेंट, जो टिप्पणी, जो राय हमें सबसे ज़्यादा अच्छी, सबसे रोचक लगेगी, उसको भेजने वाले को कुछ पुस्तकों का उपहार हम अपनी ओर से देंगे। एक बार फिर से आप लोगों का धन्यवाद। प्रोफेसर पाशा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी और बेहतरीन किताब पर, किसी और बेहतरीन लेखक पर, या विद्वान पर बात करने के लिए किसी और विद्वान, किसी और लेखक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहता हूँ। धन्यवाद। आप देखते रहिए राज्यसभा TV।